जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सभी बोले जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आवाज नहीं आई, कह दो जय श्री श्याम। बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए लखदा तार की, बोलिए शीश के दाने की, बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय हो। बड़ा खुश किस्मत हूं मैं कि आज देवभूमि हिमाचल में ऊना में आज पहली बार जब हाजिरी लग रही है इस शहर में, तो उस हाजिरी की शुरुआत मेरे श्याम बाबा जी के चरणों से हो रही है। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए श्री श्याम सेवक मंडल के लिए, एक बार जोरदार तालियां जाए। क्या आदरणीय प्रधान जी आरके जी का मैं तहे दिल से शुक्राना करता हूँ कि इस काबिल समझा कि इस दरबार में हाजिरी लगवाऊं। प्रधान जी है कितने वैसे आरके जी? अच्छा, क्या बात है, जय हो। और दूसरा शुक्राना हमारे आदरणीय बड़े प्यारे अंकल जी सुरेंद्र गुप्ता जी, जिनकी वजह से आज मैं इस ऊना की पावन पवित्र धरती पे हाजिरी लगवाने आया हूँ। आओ बाबू जी, आप स्टेज पे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, क्योंकि बरनाला में इनकी बेटी ब्याही है, तो उनके घर में चौकी में इन्होंने सुना था। तो देखिए मेरे बाबा की कृपा, आज 3-4 साल बाद मिलना हुआ और श्याम बाबा के दरबार में मिले, तो तहे दिल से शुक्राना। ये एहसान सारी जिंदगी विक्रम राठौड़ याद रखेगा। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। ज्यादा समाना लेते हुए हाजिरी शुरू करूंगा। एक बार दोनों हाथ उठा करके अपने अपनी हाजिरी मेरे बाबा के दरबार में लगवाइए, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे करके। बोलिए खाटू नरेश की जय हो। शार्प दिया थोड़ी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु विष्णु गुरुर् देव महेश्वर गुरु पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यासु सर्वदा। सर्वकार्यासु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु कृपारूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। नमस्तस्य 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 नमो नमः। बोलिए श्री हनुमान हरि की जय हो। बोलिए श्री प्रेतराज सरकार की जय हो। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय हो। बोलिए श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय हो। जय जय
श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम बोलिए खाटू नरेश की जय हो बोलिए हारे के सहारे की जय हो सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम मेरे मन की मैं जानू और पी के मन की हीरा सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम आज मेरे बालाजी महाराज को कौन कौन मनाने आया है जरा दोनों हाथ खोल के दिखाना देखिए अगर हनुमान जी को खुश करना हो तो सबसे आसान तरीका यही है कि दो अक्षर का प्यारा नाम जिसको कहते हैं श्री राम मेरे साथ सभी ने हाजिरी भरनी है बोलना है श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्याम प्रेमी बड़ा सुरीला गाउंदे आ जे नहीं यकीन तां सुन भी लाओ सारे गायो श्री राम जय राम श्री राम कीबोर्ड बहुत उच्चा है ऐदा नहीं भैनो जिवें घरे रौला पाउनी होनी है ना उवें बोलो श्री राम जय राम होगी ना बाजू जी पुप्पी जी होगी ना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम बोलो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम अच्छा थोड़े पिछों साला सर कौन कौन गया मैं पहले ही पूछ लेना मैं हिंदी में बोलूं या पंजाबी च बोला हिंदी हिंदी अद्धे कहते पंजाबी चलो मिक्स कर देते हैं जो जो साला सर गया है जरा दोनों हाथ उठाना एक ऐसा सच्चा सच्चा दरबार है कि जिसके अंदर भक्त खाली हाथ चलाता जाता है लेकिन कभी खाली हाथ लौटता नहीं जो जो साला सर गया है जो जो जाना चाहता है जरा दो हाथ की ताली इस भजन में मेरे साथ बजाना वो शुरू तो कर लेना दो सिंदूरी तन मन मोहे मुखड़ा लाल लाल सिंदूरी तन मन मोहे मुखड़ा लाल लाल रूप तुम्हारा देख के मैं तो हुआ माला माल रूप तुम्हारा देख के मैं तो हुआ माला माल लाल लंगोटा तन पे सोहे 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 और गदा तेरे हाथ है बाबा क्या बात 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 है सिंदूरी तन मन मोहे मुखड़ा लाल सिंदूरी तन मन मोहे मुखड़ा लाल रूप तुम्हारा देख के मैं तो हुआ माला माल क्या बात है देख के मैं तो हुआ माला माल लाल लंगोटा तन पे सोहे लाल लंगोटा तन पे सोहे लाल लंगोटा तन पे सोहे और गदा तेरे हाथ है बाबा क्या बात है बाबा क्या बात है बाबा क्या बात है बाबा क्या बात है अच्छा मेरी आवाज किसको सुन रही है किन्हों किन्हों समझ आ रही है मैं इसलिए पूछिए थोड़े दिन पहले ना साडे बरनाले दे नाल एक पिंड है उत्थे असीं जगराता करन चले गए
जगराता करी गए। तीन चार दिन बाद ना उन्होंने घरदियां दा मेरे को फोन आया किसी विधि नूं पुछण बारे, और विधि पुछ ली मैं, वैसे पुछ लिया मैं क्या दीदी जगराता किवें लग्या रिव्यू लैण लई। कहिंदी वीरे यही सवाल मैं अपनी गवांडन नूं पुछिया सी, कहिंदी कल ही साडे घरे आई सी, कहिंदी मैं पुछिया दीदी जगराता किवें लग्या, जिवें पिंडां वाले बोलदे हुंदे आ साडे पंजाब च, कहिंदी बू नहीं भैणे जगराता तां बाली वधिया सी। कहिंदी अच्छा फिर जगराते च तैनूं भेंट कड़ी वधिया लगी? कहिंदी देख नहीं भैणे भेंट तां मैनूं कोई याद नहीं, पर जिहड़ा तुहाडे घरे गाउण वाला आया सी ना उहने जगत बड़ी वधिया पा रखी सी। लै कर लो गल, फिर की फायदा होया जगराते च गए दा जे कुछ समझ ही ना लग्या? जिहनूं जिहनूं समझ लग रही है एक बार दोनों हाथ खोल दियो और ताड़ी बजायो। 1 2 3 4 तुम्हारी ऐसी है जैसे ना कोई और, छवि तुम्हारी ऐसी है जैसे ना कोई और, तीन लोक में तेरे जैसा दूजा ना सिरमौर, तीन लोक में तेरे जैसा दूजा ना सिरमौर, छवि तुम्हारी ऐसी है जैसे ना कोई और, तीन लोक में तेरे जैसा दूजा ना सिरमौर, सजदज के बैठे हो बाबा, सजदज के बैठे हो बाबा, सजदज के बैठे हो बाबा, क्या निराला ठाट है बाबा, क्या बाबा क्या बात है, 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 बाबा क्या बात है। श्री सनातन का सनातन धर्म सभा ऊना की ओर से मान सम्मान दिया गया। प्रधान जी प्रिंस जी, प्रिंस जी आए हैं मेरी ओर से, श्री श्याम सेवक मंडल की ओर से आपका बहुत बहुत वेलकम। मेरे श्याम बाबा जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, प्रभु श्री राम जी की कृपा सदा ही बन रहे, तहे दिल से शुक्राना। वाह जी वाह, हमारे गुप्ता जी भी जिनकी बदौलत ये ऊना में आज पहली हाजिरी लगवा पाया हूँ, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए, शुक्राना जी, थैंक यू जी, वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मोहनलाल मोनी जी जय हो, बहुत सारा मान सम्मान देके गए हैं, जय हो। कलो क्या बात है, कहते भी गरीब लड़कियां की शादी करवाते ने और तकरीबन हुण तक 2000 शादियां करवा चुके, एक बार जोरदार ताड़ी बनती है ना, क्या बात है, जोरदार ताड़ी, जय हो। आओ प्रधान जी इतने बह जाओ, आ जाओ, हाँ जी कल नू भी है शादियाँ, कल भी है, क्या बात है, इतने बैठ जाओ, इतने बैठ जाओ, जय हो। बाबा क्या बात है, 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 ताली बजा के लवा दो हाजरी। प्यारा लगता सबका चित जुड़ाते, रूप अनोखा प्यारा लगता सबका चित जुड़ाते, रूप अनोखा प्यारा लगता सबका चित जुड़ाते, रूप अनोखा प्यारा लगता सबका चित जुड़ाते, भक्त तुम्हारा भजन करे तो मन ही मन मुस्काते, भक्त तुम्हारा भजन करे तो मन ही मन मुस्काते, रूप अनोखा प्यारा लगता सबका चित जुड़ाते, भक्त
तुम्हारा भजन करे तो अंबर से तुझ पर होती है, अंबर से तुझ पर होती है, फूलों की बरसात है। बाबा क्या बात है, 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 बाबा क्या बात है। देखिए ताली लगती रहेगी, जो जो मेरे बालाजी को मानता है जरा दोनों हाथ खोल के ताली बजाना। एक दो, एक दो तीन चार, ताली बजा के तुम्हारे दर्शनों को सेवक तेरे आए, आज तुम्हारे दर्शनों को सेवक तेरे आए। कौन कौन आया है दर्शन करने के लिए मेरे बालाजी के? ताली लगनी चाहिए, लास्ट लाइन है इस भजन की। आज तुम्हारे दर्शनों को सेवक तेरे आए, आज तुम्हारे दर्शनों को सेवक तेरे आए। चौखानी कहे तूने ही तो बिगड़े काम बनाए, चौखानी कहे तूने ही तो बिगड़े काम बनाए। आज तुम्हारे दर्शनों को सेवक तेरे आए, चौखानी कहे तूने ही तो बिगड़े काम बनाए। भक्त तुम्हारी महिमा गाते, भक्त तुम्हारी महिमा गाते, भक्त तुम्हारी महिमा गाते, भक्त तुम्हारी महिमा गाते। कीर्तन की ये रात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। एक मिनट भाई, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, अब यही लाइन दोनों हाथ उठा के बोल दो, बाबा क्या बात है, 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 बाबा क्या बात है। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय हो। सब भजन से खुश होकर के हमारे आदरणीय अंकर सुरेंद्र गुप्ता जी ने 500 रुपए मेरा मान सम्मान भेजा है, तहे दिल से शुक्राना। बोलिए खाटू नरेश की जय हो। बोलिए हारे के सहारे की जय हो। आज का ये दरबार किसको सुंदर लगा? अरे वाह, और इतना सुंदर दरबार मेरे को पता था कि हमारे कशिश भैया के बिना इतना सुंदर दरबार, इतना सुंदर बाबा को कोई सजा नहीं सकता, कि दूल्हे के जैसा मेरे बाबा आज सज रहा है। जिसको सुंदर लगा ये दरबार, जरा दोनों हाथ की ताली बजाना कशिश भैया के लिए। आइए दरबार में, आगे आइए, क्या बात है। और कशिश जी, ये हिमाचल ही नहीं, पंजाब ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात तक जाकर के बाबा के दरबार को इसी तरह सजाते हैं। रोज नया श्रृंगार देखने को आपको मिलेगा। और इनके बारे में मैं बता दूं कि ये सिर्फ दरबार ही नहीं सजाते, जीवन में इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। ये कभी किसी कंपनी में जॉब करते थे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। एक दिन मन में आया कि आज के बाद मैं नौकरी नहीं करूंगा, बाबा के दरबार की सेवा करूंगा। भाव बताता हूं आपको कि बाबा के दरबार की सिर्फ सेवा करूंगा। और यकीन मानिए, बाबा ने आज इनको इतना दिया, जिस कंपनी में ये जॉब करते थे उससे बड़ी कंपनी के आज ये मालिक हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इनके अंडर काम करते हैं। ये है मेरे श्याम बाबा की कृपा, क्योंकि जिसने अपने जीवन को क्योंकि जिसने अपने जीवन की डोरी बाबा के हाथों में दे रखी हो ना, बाबा कभी कोई कमी छोड़ते नहीं है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे कशिश भैया के लिए। बाबा ये जीवन हमारा आपके चरणों में है, बाबा ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। देखिए जरूरी नहीं है किसी के लिए, जिसने अपने जीवन की डोर मेरे बाबा के हाथों में दे रखी है वो जरूर गाए ये दो लाइनें। बाबा ये जीवन हमारा
आपके चरणों में है बाबा ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। दीन दुखियों का गुजारा आपके चरणों में है। दीन दुखियों बोलो, बोलो। का गुजारा आपके चरणों में है। ओ जो पिछे मातावां बैठी बोल नहीं रही कित उ नहीं गल। एक दिन साडे बरनाले दे नाल एक होर पिंड है लौंगवाल, असी उत्थे जगराता करन चले गए। गुप्ता जी साडा काम है, साडी जॉब है, इसे काम दे असी पैसे लैने कि वार वार कहने कि भग दो हाथ खोल के ताड़ी बजाओ, जरा जोर नाल ताड़ी बजाओ। और मैं गल सुना रहा हजे सुन लो, आपदे काम के मुताबिक जो मैं अद्धा घंटा पौना घंटा डेढ़ घंटा ना ही हटिया ताड़ियां बजवाणो हाथ उपर कराणो। एक माई पिछे चरखा रखी बैठी, चरखा कत्ती सी ओह, वारी वारी पूनी इदा करया करे, मैं ओदी कह दिया करा दोनों हाथ उठा के ताड़ी बजाओ, वह बेचारी पूनी नीचे रखा करे हाथ उपर करके ताड़ी बजाया करे, जो दुआरे चक्कन लग्या करे मैं फिर कह दिया करा। बेबे भाई डेढ़ घंटे चक गई, मैंने कहती विक्रम राठौड़ जी भज के आई हो। मैं कोले चला गया, कहती थानू दो चार गल्लां पुछ लां। मैं क्या हाँ जी पुछो। कहती बेटा जी ए दसो जो सामने सोहना जहा दरबार लग्या वह कि आप बड़े फकर ना कहा। मैं बेबे साढ़ा ही है। कहिंदी अच्छा ऐ दसो जिहड़े स्पीकर स्पाकर जे पए ने इह किहदे ने। मैं क्या बेबे इह भी साढ़े ही ने। कहिंदी जिहड़े मजीशियन आए ने इह। मैं क्या बेबे इह भी मेरे नाल आए ने, इह भी साढ़े ही ने। कहिंदी इक अखीरला सवाल पुछ लां। मैं क्या हाँ जी पुछो। कहिंदी जिहड़ा हो सामने नोटां दा ढेर पिया उह किहदा। मैं क्या देख बेबे हुण जगराता मैं कर रहा, फिर नोट तां सारे हुण मैं ही लैके जाऊँगा। कहिंदी वाह मां दिया शेरा, नोट सारे इकट्ठे करके तूं लै जी ते ताड़ियां दा जोर फ्री च असीं लाई जाइए, कर लो गल। ओ मैं क्या बेबे जिहड़ी कमाई इत्थे तू करके जाएंगी वह कमाई सारी जिंदगी मैं नहीं कर पाऊंगा। कहिंदी ओह किवें, क्योंकि मेरे नाम जपण और माता थोड़े नाम जपण च जमीन आसमान का फर्क है। मैं नाम जपूंगा भाव दे नाल ते तुसी नाम जपोगे भाव दे नाल, बहुत वड्डा फर्क हो सकता सारी जिंदगी ना निकल पावे। बोली खाटू नरेश की, और जिन्हें अपने जीवन की डोर मेरे श्याम बाबा जी के हाथों दे रखी है, श्याम बाबा को अपने जीवन की डोर सौंप रखी है, वो दो हाथ की ताली जरूर लगाए मेरे साथ बोले बाबा ये जीवन हमारा, बाबा ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। 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 जाते हुए आपकी रहमत से मिलती इज्जत की दो रोटियां, आपकी रहमत से मिलती इज्जत की दो रोटियां, आपकी रहमत से मिलती इज्जत की दो रोटियां, आपकी रहमत से मिलती इज्जत की दो रोटियां। हम गरीब गुजारा, हम गरीबों का गुजारा। देखिए जो जो तो गरीब मानता है श्याम बाबा के सामने अपने आप को, वो हाथ ऊपर करेगा, जो अमीर मानते हैं वो हाथ नीचे रख लेना। हम गरीबों का गुजारा, हम गरीबों का गुजारा,
आपके चरणों में है। अरे बाबा रे जीवन हमारा आपके चरणों में है। ओ बाबा ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। बाबा रे जीवन हमारा आपके चरणों में है। एक बार जोरदार जयकारा बोलिए बोलिए खाटू नरेश की जय हो। महारानी की कृपा से अष्टमी और नौमी के दिन हुआ ये है ना। क्या बात है, क्या नाम है इसका? देवांश। क्या बात है देवांश, जियो बेटा। जैसे तुम्हारे दादा ने महारानी के अनन्य कीर्तन करवाए, अनंत कीर्तन करवाए, तुम भी आगे चल के मेरी माँ के कीर्तन करवाना, श्याम बाबा के कीर्तन करवाना, यही दिल से आशीर्वाद है आपको। जय हो। क्या मुकद्दर का भरोसा साथ दे आना विदे। मेरी किस्मत का सितारा आपके चरणों में है। ये जीवन हमारा आपके चरणों में ओ बाबा, ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। बाबा ये जीवन हमारा आपके चरणों में। देखिए कीर्तन तो आप YouTube पे भी सुन सकते थे, दरबार में क्यों आए हो? आप आए नहीं हो, बाबा के द्वारा लाए गए हो। बाबा ने कुछ सोच समझ करके ही आपको दरबार में बुलाया होगा। जो बाबा को प्रेमी पसंद आते हैं उन्हीं को जागरण में जाने का अवसर मिलता है। अगर दरबार में बाबा ने बुला ही लिया है तो इसका पूरा पूरा फायदा उठा के जाना। जैसे जीवन में हम किसी की मजदूरी नहीं ना रखते, दिहाड़ी नहीं रखते, वैसे ही बाबा हमारी मजदूरी नहीं रखेंगे। जितने इसके नाम की मजदूरी करके जाओगे, दिहाड़ी करके जाओगे, जितने इनके नाम की तालियां बजा के जाओगे, उसका पूरा पूरा मोल मेरे बाबा जी आपको देंगे। जरा दोनों हाथ उठवा के ताली बजा देना एक बार। एक दो, एक दो तीन चार। दोनों हाथ खोल देना, क्योंकि इसको हारे का सहारा कहा जाता है। जो जो मानता है कि ये हारे का सहारा है, बाबा हमें तुम्हारा ही सहारा है। जरा दोनों हाथ फैला करके कहना बाबा से, मैं भला चिंता करूं क्यों है भरोसा आप पर। Hey,
परिवार सारा, मेरा ये परिवार सारा आपके चरणों में है। बाबा जीवन हमारा आपके चरणों में, ओ बाबा ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए लखदा तार की, खाटू लगे जो, बोलिए खाटू नरेश की। पीछे खड़े थे हमारे भैया ने सिफारिश की, क्या शुभ नाम है आपका? जतिन वर्मा जी, इन्होंने एक भजन की फरमाइश की, भजन दे बोल सच्ची बहुत वधिया, जिथों मैनू पहचान मिली खाटू शाम जगत विच। साहिल जी शायद तुसी भी सुने होना, गुड नेम। मोनी जी तुसी तां ना मेरे नेड़े रहो, जिहड़े पैसे दिंदे ना मैनू बहुत वधिया लगदे, नेड़े नेड़े आ जाओ। बोल सच्चे दरबार की जय हो। जय जय भजन दे बोल, हो सकता थोड़े विचों कईआं ने सुने भी होण, क्योंकि अक्सर शोभा यात्रा दे विच चलता ही है भजन। की कहिंदे, ओ मैनू खाटू वाला दई जावे ते यार नजारे लई जावे, मैनू खाटू वाला दई जावे ते यार नजारे लई जावे, सानू खाटू वाला दई जावे ते यार नजारे लई जावे, मैनू खाटू वाला दई जावे ते यार नजारे लई जावे। अगर अज दे इस कीर्तन च कुछ सीख के जाना हो ना, कुछ लेके जाना हो करे, एक चीज लेके जाइयो, पता की, अज तो बाद बाबे दे दरबार च सौं खा के जानी है कि बाबा असी जीवन च जिन्ना रोना सी रो लिया, अज तो बाद असी कदे रोवांगे नहीं, रोना बंद कर दो। क्योंकि अक्सर आदत होंदी है गुप्ता जी, जदों किसी का फोन आया कि हैलो की हाल चाल है, बोले ठीक है, कम कार किदा चलता है, इत्थे ही रोना स्टार्ट, ओ बस पुछो ना जी, बहुत बुरा हाल है, ऐ कहिंदे ना, बहुत मंदा। अज तो बाद नियम बना लो, करके देखो तजर्बा, जदों भी कोई फोन करके पुछे मोनी की हाल है, अगों इको ही आवाज आवे, ओ मैनू खाटू वाला दई जावे ते यार नजारे लई जावे, मैनू खाटू वाला दई जावे ते यार नजारे लई जावे। मेरियां भैणां खड़ियां होईयां ने, नचण नू किदे किदे दिल करदा है, नच भी लियो, सारिआं दा करदा ना, इस तों बाद आपां नचाउने भी आ। खाटू जी जाने रहने ते शाम तो सब कुछ लेने, खाटू जी जाने रहने ते शाम तो सब कुछ लेने, खाटू जी जाने रहने ते शाम तो सब कुछ लेने, खाटू जी जाने रहने ते शाम तो सब कुछ लेने। कोई फिक्र ना दुनिया दारी दा, फिक्र ना दुनिया दारी दा, कोई फिक्र ना दुनिया दारी दा, फिक्र ना दुनिया दारी दा, जो कहिंदा कही जावे। ओ जड़े पिछे खड़े ने, पिछे बैठे ने, ओ ताड़ी नहीं बजा रहे, जरा दोने तू ठा के ताड़ी बजानी है सारे ने। मेरा खाटू वाला दई जावे ते यार नजारे ले जावे, खाटू वाला दई जावे ते यार नजारे ले जावे, खाटू वाला दई जावे ते यार नजारे ले जावे, खाटू वाला दई जावे ते यार नजारे ले जावे। अच्छा मंडल वाले श्री श्याम सेवक मंडल आर के प्रधान जी, मैं सुने के इतों बसा भी जांदियां ने, जा रही ने, कौन कौन गया होया मंडल वाले? मंडल वाले एक बार अगे आ जाओ, इतने आज 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 अगे आज आज अगे आओ, मंडल वाले सारे अगे आज आज आज। खाटू जी जाने रहने ते शाम तो सब कुछ लेने, खाटू जी जाने रहने ते शाम तो सब कुछ लेने, खाटू जी जाने रहने ते शाम तो सब कुछ लेने। कोई फिक्र ना दुनियादारी दा, कोई फिक्र ना दुनियादारी दा, कही जावे। मेरा खाटू वाला दई जावे ते यार नजारे ले जावे, खाटू वाला दई जावे ते यार नजारे ले जावे, खाटू वाला दई जावे ते यार नजारे ले जावे, खाटू वाला दई जावे ते यार नजारे ले जावे, खाटू वाला दई जावे ते यार नजारे ले जावे, खाटू वाला दई जावे ते यार नजारे ले जावे। अच्छा कौन कौन जाना चाहता खाटू जी, किधर किधर दिल करता, बोलिए हाथ बजायो ताड़ी एकदम,
वर्गा कोई सहारा ना ताड़ी बजती रहूगी ताड़ी बजा के कि कहने मेरे बापे दे इधर वर्गा कोई सहारा ना कोई सहारा ना इधर वर्गा कोई सहारा ना सारी जान दे विच वसदी है एदे तो वद कोई प्यारा ना एदे तो वद कोई प्यारा ना एदे तो वद कोई प्यारा ना कि कहने मेरे बापे दे इधर वर्गा कोई सहारा ना सारी जान दे विच वसदी है एदे तो वद कोई प्यारा ना जो खाली डरते आया सी खाली डरते आया सी जो खाली ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਖਾਟੂ ਵਾਲਾ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯਾਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜਾਵੇ ਖਾਟੂ ਵਾਲਾ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯਾਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜਾਵੇ ਖਾਟੂ ਵਾਲਾ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯਾਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਭਜਨ ਕਿਨੂੰ ਕਿਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਪੂਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਜੈ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਟੋਪੀ ਪਵਾਤੀ ਹੁਣ ਟੋਪੀ 'ਚ ਨੋਟ ਫਸਾਤੇ ਜੈ ਹੋ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਪੂਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹ ਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਗਤ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰੀਓ ਬੇਬੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੈ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗਰਾਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਭੈਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲੂੰਗੀ ਜਾਪੀ ਨਿਬੇੜਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਆਊਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ 21 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੂਗੀ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਆਵੇ ਆਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਐ ਪੂਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਐ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਐ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਐ ਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਐ ਉਹ ਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਐ ਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਐ ਉਹ ਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਐ ਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਐ ਉਹ ਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਐ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਟੂ ਵਾਲਾ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯਾਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜਾਵੇ ਖਾਟੂ ਵਾਲਾ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯਾਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜਾਵੇ ਸਨ ਖਾਟੂ ਵਾਲਾ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯਾਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜਾਵੇ ਖਾਟੂ ਵਾਲਾ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯਾਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜਾਵੇ ਖਾਟੂ ਵਾਲਾ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯਾਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜਾਵੇ ਖਾਟੂ ਵਾਲਾ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯਾਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਜ਼ਰਾ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਇਓ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਪਦੀ ਸੱਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਵਜਾਇਓ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭਜਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੱਦ ਖੋਲ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦੋ ਤੀਨ ਜਾ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਜਰਾ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਖੋਲਣਾ
कौन कौन है दीवाना? जो जो दीवाना है अपने स्थान पर जरा खड़े होना। दीवानगी सिर्फ बोलने से नहीं आती, दिखानी भी पड़ती है। हो जाओ, जो खड़े हो जाओ, जड़े अंदर बैठे मेरे वीरे वो भी जरा खड़े होके आ जाओ, अगे आ जाओ, अगे अगे आ जाओ, थोड़े थोड़े दरबार के नेड़े हो जाओ। ये मनो कि अज खाटू श्याम जी मेरिया सारिया भैनों को 11-11 सूट देंगे, ये सोच के अगे आ जाओ। सभी मंडल वाले ताली भी साथ में लगेगी। हो पापा तेरा लख 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 ताली भी जाके ताली लगनी चाहिए। वो पीछे वाले ताली भी जाके कमेंट भाई। हो पापा तेरा लख लख शुक्राना, हो पापा तेरा लख लख शुक्राना। खाटू नरेश जी बंक बिहारी लाल जी का रूप ने, उन्होंने आशीर्वाद है कि कलयुग दे विच खाटू नरेश खाटू श्याम के नाम नाल मेरे करके तुसी मशहूर होना है, इसलिए सारे ने ताड़ी भी जाके बोलिया जी मेरा साथ देना है। आओ जी पहले तो ओ वृंदावन दी कुंज गलियां बिच, वृंदावन दी कुंज गलियां बिच श्याम मेरे दा डेरा। हो गोप गोपियां कट्ठे होके, गोप गोपियां कट्ठे होके शाम नू पाया घेरा, घर सड़े आ जावे क्यों करदा है तेरा, घर सड़े आ जावे
यमुना धरते लगिया रौनक यमुना धरते लगिया रौनक रुतम सधानी आई हो पींगा झूटन नचन गाबण पींगा झूटन नचन गाबण गोपियां धूम मचाई शामा प्यारे ने बंसी मधुर बजाई गाना प्यारे ने बंसी मधुर बजाई गाना प्यारे ने बंसी मधुर बजाई गाना प्यारे ने पाणो ताड़ी बजा के होली खेड आईया सखिया हथ बच लिया पचकारी और रंगा दे मुठिया भरी रंगा दे मुठिया भरिया नाल है राधा प्यारी शाम घेरा गे सपने जुगत बचारी शाम घेरा गे सपने जुगत बचारी सपने जुगत बचारी सपने जुगत बचारी शाम घेरा गे की गल भैणा एक मिनट सुन के देखो भैन जिहड़ा गिद्धा क्लिक आई जाए जिहड़ा गिद्धा और औरतों के हिस्से आया भंगड़ा मर्दों के हिस्से आया पर मालवे च एक गिद्धा बंदे भी पा सकते मर्द भी पा सकते उन्होंने कहते मलवई गिद्धा जे किसी मेरी भैन गिद्धा नहीं ना पा आता तो मैं स्टैप दसदा बहुत सौखा जहा काम है नच के हाजी लवाइयो करना की है अपने दोनों हाथ उपर कर लो मुठ्ठी बंद कर लो एक एक उंगल बाहर कट लो पता की करना है वन टू थ्री फोर सारे ने नचना कितना बहुत सौखा जहा काम है की करना है वन टू थ्री सवाल आ गया देखो कि मुछना बढ़ा दियो बोलना हो बल्ले बल्ले हे देख लो भैनों तुसी इन्ने सारे आ मेरे वीरे थोड़े ने तां भी थोड़े ना आवाज ज्यादा है पर मेरी वोट थोड़े वाल है एक बार फिर चांस मिलता है ठीक है उच्ची बोलना है हो बल्ले बल्ले हे
मिल के आओ ऐदा नहीं हो बल्ले बल्ले तुसी भैणा हो फिर इधर वोट क्यों पाती हुण हुण आऊगी थोड़ी वारी हुण बोलना है हो बल्ले बल्ले हो बल्ले 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 वो खाली रहन वाले बल्ले बल्ले भाई खाटू बिच रहन वाले सारी दुनिया दीवानी होई तेरी खाटू बिच रहन वाले खाटू श्याम जी का कौन कौन दीवाना है कर लो लंबे लंबे हाथ ताली बजा के एक दो तीन चार सुरेंद्र गुप्ता जी आ जाओ चलो भी जेड़ा वध नेड़े आ जू सूट जल्दी मिल जूगा आज आज भैनों तुम भी अगे आज थोनू भी मिलूगा सूट जय हो अगे आज
ਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਲੁੱਟੇ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਬਈ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਲੁੱਟੇ ਆ ਗਿਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਲੁੱਟੇ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਬਈ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਲੁੱਟੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਂਵਰੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਲੁੱਟੇ ਆ ਗਿਆ चोर कोई ना चित चोर कोई ना मखन चोर कोई ना चित चोर कोई ना मेरे बांके बिहारी जेहा होर 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 कोई ना बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो देखो जिन्हें ਬੋਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਇਹ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਕਰਮ ਰਾਠੌੜ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਈ ਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਆਹ ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖੀਓ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਦੇ ਹੂੰ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਉਹ ਬਸ ਕਰੋ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀਰਤਨਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁਟਿਆਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਬੋਲੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਓ ਉਹ ਕਦੇ ਹੂੰ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਹੂੰ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਲੰਬੀ ਬਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਲੰਬੀ ਬਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਲੰਬੀ ਬਾਹ ਕਰਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਲੰਬੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਕਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਜਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਜਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਜਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਜਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਜਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ राधे 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 श्याम 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 राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ਬੋਲੀਏ ਖਾਟੂ ਨਰੇਸ਼ ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਂਕੇ ਵੀ ਹਰੀ ਲਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਧੁੰਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਮਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੂੰ ਬੋਲੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਹਰੀ ਕੀ ਜੈ ਹੋ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ ਦਾ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਓ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬੈਠ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੇਟੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੈਠ ਜਾਓ ਦੀਦੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੈਠ ਜਾਓ ਭੈਣ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੈਕਾਰੇ ਵੀਰ ਬਜਰੰਗੇ ਹਰ ਹਰ ਕੋ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜੈਕਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਐਦਾਂ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲਿਓ ਜੈਕਾਰੇ ਵੀਰ ਬਜਰੰਗੇ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ
जब जब इनके भक्तों पे कोई संकट आता है, जब जब इनके भक्तों पे कोई संकट आता है, तो फिर क्या होता है? हो मेरा लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ा आता है, मेरा लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ा आता है, मेरा लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ा आता है, मेरा लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ा आता है। एक बार हमारे रिंकू भैया जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत अच्छा साउंड, क्या बात है, जय हो। मैं सोच भी नहीं सकता सी कि हिमाचल दे विच भी बिट्टू खन्ने वाले नूं टक्कर देने वाला बैठा, जय हो बोल सच्चे दरबार की जिंदे वास्ते, जय हो, जय हो। हां जी, किसको मिल रहा है ये? अच्छा मेनू मिल रहा है, जय हो, जय। रिंकू साउंड वाले के नाम से मेरे को मिल रहा है, वैसे उसको मिलना चाहिए। रिंकू भैया ये ले जाओ प्लीज, ये ले जाओ, एक बार ताड़ी बजाओ जी नाली, क्या बात है, जय हो। ए दरबार विचों आशीर्वाद है, नोट सामने के रखियो, घर वाली तो बचा के खास करके। चलो हुण भैणा ने, भैणा दी हसी छोटी गई, मैनूं इक गल याद आ गई, जे कहूं तां सुना देवां जी, सुना दा। वैसे तां देखो भैणो इह गल हैगी परसनल, किसे नूं दसण वाली नहीं हैगी, पर तुसीं कहिड़ा बगाने हो, तुसीं कहिड़ा मेरी घर वाली नूं फोन करके दसणा है, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਮਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਭਗਤੋ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਘਰੇ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਭਜਨ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਘਰ ਕੀ ਔਰਤ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਕੀ ਔਰਤ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਸੀ ਘਰ ਮੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਜਮਾ ਮਗਰੀ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੜ ਬੰਨ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 16 ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊ, ਕਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਲਾਊਗਾ ਜਦੋਂ 20,000 'ਚ ਸਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਾਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਲਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਔਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਗੜਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਫਾਲਸੇ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਸਾੜੀ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚੜ ਗਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਐਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹ ਨਿੱਗਰ ਸੀ ਵੀਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਗੁੰਦਮਾ ਸੀ। ਆਹ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਲਿਮ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਤਾ, 15 ਦਿਨ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੱਜ ਨਾਲ, ਜੈ ਹੋ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਗਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖੇੜਾ ਛੇਤੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੈ ਹੋ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। जब जब इनके भक्तों पे कोई संकट आता है, जब जब इनके भक्तों पे कोई संकट आता है, तो फिर क्या होता है? ओ मेरा लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ा आता है, मेरा लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ा आता है। अच्छा, जिसके जीवन में संकट है
और जो मेरे बालाजी को बुलाना चाहता है एक बार दोनों हाथ खोल देना और ताली बजाते हुए मेरा लाल लंगोटे वाला पल में अच्छा आज का जागरण किसको अच्छा लगा जरा खोलना हाथ बजाना ताली एक दो तीन चार यो प्यारे ताली भी जाके मैं समझता हूँ जिनके घर में जलती है बजरंग बली की ज्योति उनके घर में किसी चीज की कमी कभी ना होती उनके घर में किसी चीज की कमी कभी ना होती उनके घर में धन दौलत ये खुद बरसाता है उनके घर में धन दौलत ये खुद बरसाता है उनके घर में धन दौलत ये खुद बरसाता है अब वो हाथ ऊपर करे जिसको धन दौलत चाहिए मोह माया देखो त्यागी हुई है हाथ ऊपर नहीं हुई जिसको मान सम्मान चाहिए जरा दोनों हाथ उठाना मेरा लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ा आता है मेरा लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ा आता है ताली बजा के ताली बजा के मुमकिन है भैया नहीं तेरी सुनवाई हो ये नामुमकिन है ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ
तेरी तो भाई कुंडली च कहते मंगल खराब है, वो कंबल लग गया कहना हूं की करा। कहना बहुत सौखा तरीका है, तो हनुमान जी महाराज में याद कर लिया कर, वो मंगल ही मंगल कर देंगे। कहते किन्ने दिन च मन गए, कहते आही बस कोई कत्ती दिन लगन गए। तो हूँ किता की एडिक मूर्ति, एडिक मूर्ति हनुमान जी महाराज के घरे लै गया। घरे ले जाके ऐदा ना इन्नी कुछ सैल्फ जी उत्थे रख दिया। अगले दिन सवेरे उठिया, जोत जगाई, धूह दुखा के हनुमान जी महाराज को मनाउन लग गया। तो जे हनुमान जी को मनाना हो कहना पैंदा, की कहना पैंदा, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज ना मन्ने, औखा हो गया। फिर पंडित जी को चला गया, कहना पंडित जी तुसी तो कहते हनुमान जी महाराज कत्ती दिन च मन जाते, मन्ने तो है नहीं। पंडित जी ने दोबारा कुंडली चक ली, कहते भाई ऐ कर जेडे हनुमान जी महाराज ने यह भोले शंकर जी ने ग्यारहवें रुद्र अवतार ने, तू भोले शंकर ने मंगला हनुमान जी को रहन दे। तो एडी मूर्ति भोले शंकर जी के घरे लै गया, लिजा के किया कि जेडी मूर्ति इतने सेल्फ से ओनू चक के एक नंबर से रखता, नीचे भोले शंकर जी विराजमान कर लिया। तो जे भोले शंकर मनाना हो कहना पैंदा, बोलो बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 लो जी दस निकल गए, भीड़ निकल गए, जो कत्ती बंदे ने आया भोले शंकर जी भी ना मन्ने। गुप्ता जी अज का पूरे गुस्से आ गया, पूरा गुस्से के नाल मंदिर च गया, देखा मंदिर बंद है, जाते सार मंदिर के गेट में धक्का मारिया, मंदिर का गेट खोलता, सामने पंडित जी बैठे, बारों चीख के बोलिया, कहना देखो पंडा पहले ही तेरे करते मेरे बाण भी खराब हो गए, जे कोई पक्का हाल है मेरे तब भी दस दे नहीं जवाब दे दे। पंडित जी बड़े वधिया सुभाव दे सी, नरम सुभाव दे सी, सियाने सी। पंडित जी कहते लंघ गया यजमाना, लंघ गया की हो गया, कहना तुसी कहते कत्ती दिन च हनुमान जी, कत्ती दिन च भोले शंकर जी, दोनों ही नहीं मने। पंडित जी ने तीजी बारी कुंडली चक ली, कुंडली देख के कहते भाई हुण तां इक हल रह गया, जिन्हों सारा ऊना गाला कढ़दा हो, जिन्हों सारा बरनाला गाला कढ़दा हो, जिन्हों सारा मलोट गाला कढ़दा हो, अबोर गाला कढ़दा हो, चंडीगढ़ गाला कढ़दा हो, सारी दिल्ली गाला कढ़दी हो, घर च फिर भी एक अजी शख्सियत होगी जी कदम माड़ा नहीं आखूगी, वह कौन होती है, कौन 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 होती है भाई, बोलो बोलो, कौन मां। कहते तू ऐ कर दुर्गा मां को मना ला, होर कोई मने ना मने, मां तो मनूंगी। हुण घरे दुर्गा माता की मूर्ति भी है नहीं, एडी क मूर्ति दुर्गा माता की घरे लै गया, हुण कीता की देवते बदलते आदत नहीं बदली। जेड़े हनुमान जी महाराज एक नंबर से सी, चक के दो नंबर, दो नंबर रख दे, जेड़े भोले शंकर जी सैल्फ दे सी एक नंबर दे। ते अज नीचे माता रानी विराजमान कर ली, ते जे मां जी मनाना होवे की कहंदे हुंदे, प्रेम से बोलो, ताड़ी बजा के रल मिल बोलो, अगले वाले ओ पिछले वाले, मेरी भैणा भी बोलो, मेरे खीरे भी बोलो, गुप्ता जी बोलो, वर्मा जी बोलो, सारे बोलो, ताड़ी बजा के हाथ उठा के जोर लगा के जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जदों कत्ती मां दिन आया, मां भी प्रसन्न ना हुई, तू दुखांदा दुखांदा ही रोन लग गया।
ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੰਨਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਗਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਧੂਫ ਦਾ ਧੂਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਧੂਆਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨੱਕਾਂ 'ਚ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ ਰੀਲ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਾ ਦੇਸੀ ਰੂਹ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨੱਕਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਲੈ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਗੂੰਜਦਾ ਉਸ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਾ ਮਾਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਮੰਗ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣਾ ਕੁਛ ਨੀ ਬਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੀ ਮਿਲਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣਾ ਕੁਛ ਨੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੀ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣਾ ਕੁਛ ਨੀ ਬਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 31 ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਟੱਕਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੱਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 31 ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਹੋਵੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਹ ਕੌਣ ਲਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਬੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਥ ਪਕੜਨਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੱਟ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਲੰਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਬੱਲੇ ਦੌੜਾ ਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਹੀ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੌਣ ਹੈ ਬੋਲੀਏ ਖਾਡੂ ਨਰੇਸ਼ ਕੀ ਆਏਗਾ 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 ਕਿਰਪਾਲੂਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਦੱਸਾਂ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਚ ਗਏ ਪਿੰਡ ਚ ਵੜਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮੋਚੀ ਕੋਲ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਚੀ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ ਮੋਚੀ ਨੇ ਮੇਖਾਂ ਮੁੱਖਾਂ ਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਇੱਧਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਵਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਵਸਾਈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਮੋਚੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਠੇ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਮਾਈ ਮਨੀ ਜੈ ਹੋ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਕੱਢੋ ਇੱਧਰ ਚੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਕਰਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
मेरे को सच्ची पैसे है ना, जे मेरे को होते तो मैं तुम दे देने सी। नहीं महाराज जी, मैं तो पैसे लेने लेने कटो। जो मामला ज्यादा बढ़ गया, महाराज जी पैसे ना देन मोची मन्ने ना, महाराज जी ने देखा भी कोई हल नहीं। महाराज जी ने अपनी पोटली च हाथ मारिया, एडे कटे काले रंग दे शालीग्राम भगवान बाहर कटे कट के कहंदे लै ਇਹ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈ ਕਸਟਡੀ ਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ 2-4-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰੇ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜੂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਕ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਸ਼ਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਸਕਰੈਚ ਪਾ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਝਰੀਟਾਂ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗਾੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਸ਼ਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਮਲਮਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸੀ ਘਰੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਪਵਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਭੋਜਨ ਪਾ ਕੇ ਸੌਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਚੀ ਕੋਲ ਹੀ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਚੀ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਠੇ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਦਰ ਵੱਲ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਮੰਦਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਚੀ ਕੋਲ ਹੀ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਚੀ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 25 ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਮੋਚੀ ਨੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਦੂ ਕਰਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਖਵਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਮੋਚੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਦੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਪਣ ਭੋਗ ਖਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਮੋਚੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ ਸੀ, ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਚਮੜਾ ਕੱਟਦੇ ਕੱਟਦੇ ਉਹਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਢੂਹੀ ਤੇ ਰਗੜਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਰਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਹਰੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੀ ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਸੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਫਲ ਦੇ, ਉੱਚੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕੀ ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਸੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਫਲ ਦੇ। ਅੱਜ ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਆਪ ਬੈਠੋਗੇ, ਵੈਸਾ ਫਲ ਆਪਕੋ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾਣਾ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਸੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਸਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਸਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਸਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਸਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਰੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਪਕੜ ਲੋ ਹੱਥ ਬਨਵਾਰੀ, ਸ਼ਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਔਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਲਓ ਤਾਂ ਫੜੂਗਾ, ਹੱਥ ਖੋਲੋ ਪਕੜ ਲੋ, ਪਕੜ ਲੋ, ਪਕੜ ਲੋ ਹੱਥ ਬਨਵਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਏ, ਪਕੜ ਲੋ ਹਮਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਵਿਗੜੇਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਵਿਗੜੇਗਾ, ਹਮਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਵਿਗੜੇਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਵਿਗੜੇਗਾ, ਤੁਮਹਾਰੀ ਲਾਜ ਜਾਏਗੀ, ਪਕੜ ਲੋ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਚਾਏਗੀ। ਹੇ ਸ਼ਾਮ ਬਾਬਾ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬਜਾਏਗਾ ਤਾਲੀ,
12 महीने मनाएगा दिवाली, क्योंकि एक दिवाली हम 22 जनवरी को भी मनाएंगे। कौन कौन मनाएगा दिवाली 22 जनवरी को? कौन कौन दिए जलाएगा? जरा खोल देना हाथ, बजाना ताली। एक दो तीन चार। सभी ने बोलना है, बोलना तालियां बजाते हुए। हारे के सहारे आ जाओ, हारे के सहारे आ जाओ, तेरा दास पुकारे आ जाओ, तेरा दास पुकारे आ जाओ, सुन करुण पुकार मैं तो खड़ा तेरे द्वार, मैं तो खड़ा तेरे द्वार। पलकों का घर तैयार सांवरे, पलकों का घर तैयार सांवरे, मेरी पलकों का घर तैयार सांवरे, मेरी पलकों का घर तैयार सांवरे, पलकों का घर तैयार सांवरे, पलकों का घर तैयार सांवरे, मेरी अखियां करे इंतजार सांवरे, मेरी अखियां करे इंतजार सांवरे, छोली भर दे कोई गा दो तीसरे तरफ खड़ी जगह। बैठ जाओ, बैठ जाओ। और श्याम बाबा जी वाले सारे ने मुंह कर, श्याम बाबा जी की और सभी ने देखना है, श्याम बाबा की आंखों में आंखें मिला करके सभी ने हाजिरी भरनी है। कहना बाबा से दो लाइनें सुनाऊंगा, बैठ जाइए, कोई खड़ा ना हो, क्योंकि बाबा के दरबार में अरदास बैठ करके लगती है। बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए हरे के सहारे। ऐसा सच्चा सुच्चा दरबार है कि जिसके दरबार से आज तक कोई खाली गया नहीं, आप भी नहीं जाओगे। बस आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए। अगर किसी की झोली यहाँ से खाली चली गई तो श्री श्याम सेवक मंडल के किसी मेंबर को, प्रधान जी को, आरके जी को फोन कर देना कि बाबा के दरबार में गए थे, हमारी मन्नत पूरी नहीं हुई, मेरे को ये फोन कर देंगे, उसी दिन से मैं भी गाना बंद कर दूंगा अगर आपकी आस पूरी ना हो। बस बस आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए। कहना बाबा से Thank you.
भर दे रे भर दे रे शाम जोली भर दे जोली भर दे ना बहरा बाबा के आगे और मीठी मीठी ताली के साथ हाजिरी भरनी है। एक दो एक दो ताली सभी लगाइए जो आगे बैठे हैं जो इधर पीछे बैठे हैं ताली बजाते हुए क्या कहेंगे मेरी नैया ओ कन्हैया मेरी नैया ओ कन्हैया पार कर दे तू बन के खवैया पार कर दे तू बन के Oh,
बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए लखदा तार की। एक और सुना दो या की करना सुना दो। देखिए आप जानते ही हो कि 22 जनवरी को श्री राम लल्ला जी 497 साल बाद, तकरीबन 500 साल बाद अपने घर में, अपने नए घर में, अपने महलों में विराजने वाले हैं 22 जनवरी को तकरीबन 12 बजे। तो एक बड़ा सुंदर भाव, बड़े सुंदर भजन जो अक्सर आपने टीवी पर सुना होगा कि कहते ने मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अगर प्रेम से बुलाओगे, कहते हैं ना कि पहला प्यार नाल मेनू कोई बुलांदा नहीं, फिर कहते मुरली वाला आंदा नहीं आऊगा। प्रेम से बोलो, मेरी कोटी आएंगे आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, ये शब्द भिल्ली ने उस समय कहे जिस दिन भिल्ली को श्री राम जी के दर्शन होने थे। ठीक उसी सुबह 4 बजे प्रभात समय में, प्रभात वेला में हनुमान जी महाराज ने भिल्ली को सपने में दर्शन दिए और भिल्ली से जाकर के कहने लगे, भिल्ली सोई हुई थी, हे भिल्ली उठो। भिल्ली ने उठ करके देखा सामने हनुमान जी महाराज, सपने में उठ करके देखा कि सामने हनुमान जी महाराज, कि मैं हनुमान हूँ, क्योंकि जहां पर श्री राम जी ने जाना होता है उस जगह की पहले चेकिंग होती है, इंस्पेक्शन होती है, निरीक्षण होता है। तो निरीक्षण करने की जिम्मेदारी किसके सिर पे है? मेरे हनुमान जी महाराज पर, मेरे बालाजी महाराज पर। बोलिए श्री बालाजी महाराज की। तो हनुमान जी महाराज कहने लगे भिल्ली से, भिल्ली आज तुम्हारी बरसों की तपस्या समाप्त होने वाली है, आज तुम्हें श्री राम जी के दर्शन होंगे। मैं इसलिए तुम्हें सपने में पहले दर्शन देने आया हूँ कि तुमने श्री राम जी के आने की क्या क्या तैयारी कर रखी है, उसका जायजा लेने आया हूँ। वाह वाह। तो भिल्ली बोली कि मस्तक पे गुरु जी ने, पतंग ऋषि जी ने बताया था कि श्री राम जी को मिलने की रेखा है। हनुमान जी एक ध्रुव आ गए, जय हो। हनुमान जी बोले जहां जहां श्री राम होते हैं वहीं वहीं तो हनुमान होते हैं। भिल्ली मेरे को बताना कि तुमने श्री राम जी के स्वागत की क्या क्या तैयारी कर रखी है। तो भिल्ली ने कहा, तालियां बजाते हुए, मेरी कुटिया के, मेरी कुटिया के, मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज भाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे।
श्री राम जी के इंतजार में बैठा है। जिसको राम मंदिर बनने की खुशी है, जरा दोनों हाथ खोल देना और बजाना ताली राम नाम की। क्या बात है, जय श्री राम। मिलनी कहती लगी हनुमान जी से, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्म जनवरी को जरा खोलना हाथ बजाना ताली। एक दो प्यारे क्या बात है, पालना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के, मेरी जिंदगी के, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। बहना, आज मोबाइल के बिना ही रहना। अगर आज मोबाइल छोड़ दोगी ना, तो मेरी ओर से आपको एक ऑफर है। सुबह 399 का रिचार्ज तुम्हारा ये भाई करवाएगा तुम्हारे मोबाइल में। बस आज मोबाइल नहीं चला, जरा ताली बजा। एक दो तीन चार, 399 बोले, 101 ज्यादा आ गए मेरे पास। ताली बजा ले। एक दो तीन चार, जल्दी रहो। पंडित जी ने जाली पत्थर देता, जाली पत्थर देता, तो जट बूटा इन की पता लगना लैके घरे। पंडित जी ने कहा कहते रोज इन भोग लवाना, फिर आप भोजन पाना। हूं बेचारा जट सीधा सदा जाता, पता
वो तो पंडित जी की गल थी बनिया रह गया घरे उस दिन बनिया बहुत चलता हूं तो खैर माघ शुरू हो गया ठंड आई घरे साग बनिया हो मक्की दी रोटियां आप खाने गिण के एक दो तीन इनी इनी हैसियत है ना इनी कैपेसिटी है जट खांदे चिणके पुल पुल तन्ने ने भी एडा गरा ला लिया ढेरी ला ली रोटियां दी और ठाकुर जी ने बुलाउन लग गया कि ठाकुर जी आज भोग ला लो गर्मा गर्म साग है गर्मा गर्म मक्की दी रोटियां खा लो ठाकुर जी ने कहना अच्छा अच्छा साग शायद ठंडा हो गया ना दोबारे गर्म कर लिया साग से किलो जिन्ना एक हफ्ता जो ठाकुर जी नहीं आए दोबारे गर्म करे दोबारे गर्म करे भाई अज नहीं रह गया हूं तो धन्ने ने देखे भी रोटियां ज्यादा ने साग रह गया थोड़ा अज तो पूरे गुस्से च आ गया जो गुस्से च आया ठाकुर जी ने कहना मैं लास्ट बारी पूछ रहा आना है कि नहीं आना नहीं आए ठाकुर तो फिर धन्ने ने की कीता छे फुटी डांग ले ली तेल ला लिया तेल ला के ठाकुर जी के आ गए कहते दस ठाकुर जो इनी गल कही उसे विष्णु भगवान जी देख रहे वो उस तरह ही उठ के भजन लग गए लक्ष्मी माता जी कहते प्रभु जी की हो गया कहते हजे तक कुछ नहीं होया जो दो चार सेकेंड होर लेट हो गया हो गया कुछ क्या हुआ ठाकुर जी भजी आए पत्थर दे विचों हाथ कढ़े रोटियां नु हाथ पा लिया चक के ले जाने लगे धन्ने ने घुट दबा लिया वाह वाह ठाकुर हफ्ता हो गया कुछ मैं भी नहीं खादा जत्ता नु भुख बाली लगदी तेरे चक्कर च मैं भी वरत रख लिया सत दिन दा इन्नी छेती नहीं जान दिंदा तेन जेड़े काम लई बुलाया पहला ओहदा काम कर धन्ना ठाकुर जी नु बाहर नु खिच रिहा ठाकुर जी पत्थर दे अंदर नु जोर ला रहे ने धन्ना बाहर नु खिच रिहा तुसीं इह देखो कि जेड़े कुल दुनिया दे स्वामी ने जिन्हां ने एक चीची दे उत्ते गोवर्धन पर्वत नु उठा लिया अज धन्ने दी भगती दे अगे फेल हो गए बाहर आ गए जय हो जय आए कि नहीं आए ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਰੁਚ ਰੁਚ ਮੈਂ ਤੂੰ ਰੁਚ ਰੁਚ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਗੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਰੁਚ ਰੁਚ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਗੀ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਮੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਖਿਲਾਉਂਗੀ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਮੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਖਿਲਾਉਂਗੀ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਮੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਖਿਲਾਉਂਗੀ गुरु मेरे पासे गुरु मेरे पासे गुरु मेरे पासे भाग मेरे खुल जाएंगे नाम आएंगे मेरे कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे नाम आएंगे अगर प्रेम से बुलाओगे तो जरूर आएंगे जिसको अभी तक का जागरण अच्छा लगा एक बार जोर से तालियां बजाएं ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਜੈ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ बस भैन उठो ना दो लाइन ही गाणी इस तू बाद आरती करो प्रसाद दरबार विच मिलना किसी ने जाने नहीं दो लाइन ही गाऊंगा दो तो तीसरी ਸੁਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ
साउंड बंद हो जाती है। तो अगर जिन्हें जिन्हों हाजिरी वजिए लगे एक बार जोरदार ताली बजा दो। और यूट्यूब देखते मेरा चैनल है विक्रम राठौड़ बरनाले वाले, इन्हों टाइप करके इन्हों सबसक्राइब कर लो और पहले जरूर बजा दियो ता जो जिन्हें मेरे नए भजन को नोटिफिकेशन आवे। बोली खाटो नरेश की, बोली श्री बालाजी महाराज की, बोली हरे के सहारे की जय करे वीर बजरंगे। क्या बात है, एक जोरदार ताली संदीप भरद्वाज भैया के लिए। क्या बात है, अनाउंसमेंट से बहुत देखे लेकिन उनके जैसे अनाउंसमेंट और सच्ची बच्चों सोना भी बहुत है बोल सकते हैं दरबार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गड्डी सामने खड़ी है, उसके पर आके ला दी तुम शाह बाबा की कृपा के नाल कि एने जोगा नहीं सी मैं तो जिन्ने जोगा कर दिता, एने जोगा नहीं सी मैं तो जिन्ने जोगा कर दिता, खाण पान नू माया दिती रहण नू वधिया कर दिता, खाण पान नू माया दिती रहण नू वधिया। ये गल जरूर है बुद्धी वाली देख रहा भाई, कहते कि काम ऐसा हो कि नाम बन जाए, थोड़े लिए कह रहे हैं कि काम ऐसा हो कि नाम बन जाए, नाम ऐसा हो कि सुनते ही काम बन जाए। एक दाड़ी ला जरा श्याम बाबा कि मणका मणका फेरिया मन कदे मंदिर नहीं बनते, मणका मणका फेरिया मन कदे मंदिर नहीं बनते, पैरों च को गुरु बन के नचन नाल बंदे कदे कंजर नहीं बनते, हथां च पानी रखिया कदे समंदर नहीं बनते, जिन्हां घरां ते होवे रहमत मेरे खाटू वाले दी ओ घर जिंदगी च कदे भी खंडर नहीं पड़दे, ओ घर जिंदगी च कदे भी खंडर नहीं। सैनिक हाजरियां करे परमा, बड़ा अच्छा लगा आज विक्रम भाई से मिलकर, आ रहा हूँ मैं परसों बठिंडा आ रहा हूँ, हाँ उधर से निकलूँगा, फोन करूँगा क्योंकि मैंने सुबह 10 बजे तो पहुँचना जमुना नगर, तभी मैंने गुप्पी भाई को बोल दिया कि भाई जाने दो अभी लेट हो जाऊँ, बस आपका प्यार है भाई। एक बार जोरदार तालियां श्री श्याम सेवक मंडल, इन मंडल वालों को उन्ना में घरे तो उन्ना वाली होंगे, हम कौन सा यूएसए पहुंच के जीवन को मिले, हाँ जीवन में आदि बढ़िया